हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको भीख मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान वाहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ आलू से वटका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से वोट भी ले लीजिए। पश्चिमी यूपी की जंग में योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियानों में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और मेरठ में हुंकार भरेंगे, मगर अखिलेश यादव अलग ही धुन में हैं। आगरा में उन्होंने आलू के किसानों को वोदका की फैक्ट्री बनाकर उनके उत्पाद की कीमत दिलाने का ऐलान कर दिया। सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे, और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहाँ से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी, चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। अखिलेश को अंदाजा था कि बीजेपी इस पर सियासत कर सकती है, लिहाजा उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी के शासन में वोडका की खपत बढ़ गई है। जब बीजेपी की सरकार थी नहीं आई थी तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया मार्केट में। उधर अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश पर नए सिरे से हमला बोला है। काम किया था उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान का जवाब नए नए अंदाज में दे रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती। वहीं अखिलेश यादव पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। योगी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी हमलावर हैं। अमरोहा में वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश पर कटाक्ष किया। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, एक महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। ऐसे तंज भरे बयानों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी सामने आ रहे हैं। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन भाषण का माहौल बना रहे थे। इस बीच भीड़ जहां शोर कर रही थी, वहीं जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा लगातार अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। रामजी लाल सुमन बार बार उन्हें बातचीत बंद करने का संकेत दे रहे थे, वहीं अखिलेश उन्हें अपना भाषण जारी रखने का इशारा कर रहे थे। फिर अचानक रामजी लाल सुमन ने जितेंद्र वर्मा पर तमाचा तान दिया। ये देखकर अखिलेश यादव और जितेंद्र वर्मा दोनों की हंसी छूट गई। ये सब हंसी मजाक का हिस्सा था, मगर पश्चिमी यूपी की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। वोटिंग से पहले जब आखिरी 3 दिन बचे हैं तब जुबानी जंग और तेज हो गई है। अलीगढ़ से अकरम खान और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।